हफ्तों से वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, पर उसका कंपेंसेशन ये है कि मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ गणेश चतुर्थी। बीन मुंबई कर गणेश चतुर्थी में होने वाले सारे चकाचौंध, विसर्जन में नाचते हुए लोग, ढोल ताशे, लाखों के डेकोरेशन, सब कुछ देखा है, पर इस त्योहार से मैं पर्सनली फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर पाई थी जब मैं गई थी विसर्जन में। विसर्जन में एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे से गणेश जी की मूर्ति को हग करके बैठी हुई थी और उनकी मम्मी डैडी उन्हें बोल रहे थे कि बेटा जाने दो गणेश जी को, गणेश जी की मम्मी उनका राह देख रही है, पर लड़की मानने से रही। तो उसकी डैडी ने उसकी वो मूर्ति हाथ से लेनी चाहिए, तब उसने और टाइटली गणेश जी को हग करके रोना स्टार्ट कर दिया और बोलने लगी मेरे गणेश जी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये सारा दृश्य आसपास में खड़े हुए लोग देख रहे थे और आनंद ले रहे थे, पर उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि एक मूर्ति जो ना बोल सकती है, ना किसी प्रकार की कोई मूवमेंट कर सकती है, ना बातचीत कर सकती है, उससे एक छोटी सी बच्ची इतना कनेक्ट हो जाएगी। यही एक कनेक्शन होता है इंसान और भगवान में जो होना चाहिए। अगर आपको इस कनेक्शन का अनुभव करना है तो आप अपने घर पे गणेश जी को विराजमान कर सकते हो, और अगर आप गणेश जी को अपने घर पे विराजमान करना चाहते हो तो ये सीरीज आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में, मतलब आज के एपिसोड में, हम देखेंगे कि गणेश जी को घर पे लाने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर मूर्ति बुक करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि गणेश जी को हम कितने दिन के लिए विराजमान कर सकते हैं। आप गणेश जी को डेढ़ दिन, मतलब 1.5 days, 5 days, 7 days या 10 days के लिए विराजमान कर सकते हो। पर गणेश जी को आप दो तरीके से विराजमान कर सकते हो। एक तरीका है सिर्फ गणेश जी आएंगे, और दूसरा तरीका है गौरी गणेश आएंगे। गौरी मतलब गणेश जी की मम्मी और गणेश जी दोनों भी आएंगे। तो अगर आप गौरी गणेश जी का विराजमान करना चाहते हो तो आपको 5 दिन के लिए गौरी गणेश जी को लाना होगा। गौरी जी इस साल 3rd day आएंगी। इस तरीके से आप गणेश जी और गौरी गणेश जी को विराजमान कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, हमें मिट्टी या पीओपी की मूर्ति मिलती है, तो दोनों में से कौन सी प्रिफरेबल है? आजकल मार्केट में मिट्टी की मूर्ति एज वेल एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी की मूर्ति के बहुत ज्यादा वैरायटीज अवेलेबल है। मिट्टी की मूर्ति और पीओपी की मूर्ति में एक जो मेन डिफरेंस ये है कि मिट्टी की मूर्ति आप घर के पानी में भी विदिन 2 hours के स्पैन में उसे विसर्जित करके वो पिघल जाती है और पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाती है उसकी, मतलब इट्स प्योर। और पीओपी की जो मूर्ति होती है वो भी पानी में पिघलती है, पर उसे काफी ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू मिट्टी की मूर्ति। पर मिट्टी की मूर्ति डेलिकेट होती है, पीओपी की मूर्ति उस हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग होती है। मिट्टी की मूर्ति थोड़ी हेवी होती है, पीओपी की मूर्ति लाइट वेट होती है।
मिट्टी की मूर्ति की प्राइस पीओपी के मूर्ति के प्राइस से ज्यादा होती है, क्योंकि इसे बनाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और पीओपी की मूर्ति थोड़ी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू मिट्टी की मूर्ति। दोनों भी पानी में पिघलते हैं, पर मिट्टी बहुत ही जल्दी पिघल जाती है और पीओपी की मूर्ति को पिघलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो कि आपको होना चाहिए, तो आप मिट्टी की मूर्ति प्रेफर। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम गणेश जी की मूर्ति किस तरह से बुक करें। आप गणेश जी की मूर्ति तीन तरीके से ले सकते हो। पहला तरीका, ऑनलाइन। ऑनलाइन आजकल बहुत सारे साइट्स हैं जो गणेश जी की मूर्ति आपको घर पे डिलीवर करते हैं, और ये सारे साइट्स आपको मोटिवेट करते हैं कि आप मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति लो। और ये मूर्तियां इतनी अच्छी होती है कि वो आपको, पहले तो आप बहुत इजीली घर वालों को, सब घर वालों को दिखा के एक अच्छी सी गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हो, फाइनल कर सकते हो, उसकी डिलीवरी घर पे ला सकते हो, उन्हें विराजमान करो, उनकी पूजा कर लो, विसर्जन भी आपको घर पे ही करना है। प्लस वो जो मूर्ति है, जब वो पूरी पिघल जाती है तो उसमें से एक बहुत ही प्यारा पौधा तक उगता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, इसका एक अच्छा सा YouTube वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उसमें से एक आध वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। प्लस ऐसी जो साइट्स है जिनमें इस तरह के गणेश जी की मूर्तियां अवेलेबल होती है, उस साइट्स की लिंक्स भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप ऑनलाइन मिट्टी की मूर्तियां खरीद सकते हो। तो इस कोविड की सिचुएशन में इट्स अ बेस्ट डील। अब अगर सेकेंड तरीके की बात करें, तो दैट इज आप घर के बाहर, मतलब शॉप में जाके गणेश जी की मूर्तियां बुक कर सकते हो। महाराष्ट्र में गणेश जी को घर पे विराजमान करने की प्रथा काफी भारी पैमाने पे है। तो यहाँ पे हर 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको एक शॉप मिलेगी जहाँ पे आप गणेश जी की मूर्तियां खरीद सकते हो। पर अगर आप महाराष्ट्र से नहीं बिलोंग करते, आप किसी और स्टेट से हो और गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करना चाहते हो, तो बहुत सारे सिटीज के मेन मार्केट्स में भी गणेश जी की मूर्तियां अवेलेबल होती है। थर्ड एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑप्शन इज आप गणेश जी की मूर्ति खुद अपने हाथ से बना सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, गणेश जी की मूर्ति आप खुद हाथ से बना सकते हो। मेरे बहुत सारे कजिन्स है, फ्रेंड्स है, जो घर पे अपनी मूर्ति खुद बनाते हैं। अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि मूर्ति घर पे बनती कैसे है, या फिर ये कला किस तरह से है, या फिर इस कला से आप अवगत होना चाहते हो, तो आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज का सेकेंड एपिसोड, जो कि जल्द ही रिलीज होने वाला है। उसके लिए आपको मुंबई जल्द से बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये वाला वीडियो जल्दी खत्म होता है और आई विल मीट यू इन सेकेंड वीडियो, दैट इज सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। बाय बाय।